हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स का स्टेटमेंट का अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल पहले दे देता हूँ। तो अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उस एग्जाम के लिए आपको पहले उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो बहुत सारे एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कुछ एज क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी एज 20 से प्लस होनी चाहिए या फिर 30 से प्लस होनी चाहिए। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है, या फिर मान लो किसी मार्क्स का क्राइटेरिया भी होता है कि आपके मार्क्स 70 से प्लस होने चाहिए या 60 प्लस होने चाहिए, आप फर्स्ट क्लास होने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को बैठने के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है, उन प्रोग्राम का यूज यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए किया जाता है। तो वहाँ पर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए या फिर किसी कंडीशन को चेक करने के लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का सबसे पहले मैं एक छोटा सा बहुत ही ईजी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। उस एग्जाम्पल का आप ध्यान से देख लेना, उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, और उसमें स्टोर कर देता हूँ वैल्यू 2। और उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं बी, जिसमें स्टोर कर देते हैं वैल्यू 5। और मैं अब इन दोनों को चेक करूँगा। तो इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर कोलन लगाना है। कोलन का मतलब होता है कि इस कंडीशन को आगे चेक करना है हमें। तो यहाँ पर प्रिंट, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है कि बी ए से ग्रेटर होगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो 100% श्योर है कि बी ही ए से बड़ा होने वाला है। बी इज ग्रेटर देन ए। तो मैं इस प्रोग्राम को आप रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने मुझे आउटपुट दिया है कि बी जो है वो ए से बड़ा है। तो इस तरह से हमें जिस जगह पर चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है उस जगह पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू ली 2, बी की वैल्यू ली 5, और मैंने चेक किया यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी कोलन, इसका मतलब है कि अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रिंट करना है, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होता तो प्रिंट कर दीजिए बी इज ग्रेटर देन ए। ऑब्वियसली बात है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ज़रूर ए से बड़ा होगा, पर वहाँ पर अगर दोनों अगर इक्वल आते तो वो बात अलग है। लेकिन ऑब्वियसली बात यही होती है कि अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो बी ग्रेटर देन ए होगा। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। अब आप देख सकते हो इस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों को कंपेयर किया है, और इस कोलन का मतलब होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करना है, और एल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल स्टेटमेंट को हमें रन करना है। अगर फर्स्ट जो कंडीशन है जो कि इफ में लिखी होती है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पार्ट रन होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स स्किप हो जाएगा, वहाँ पर एल्स प्रिंट नहीं होगा। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम एक ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे एज नेम का, इसके लिए हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। एज जो होती है वो इंटीजर में ही होती है, और हम इसका इनपुट जो है वो यूज़र से लेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई एंटर दी एज, एंटर द एज। हम यूज़र को बोलेंगे आप अपना एज हमें यहाँ पर दिखाओ, फिर हम चेक करेंगे कि आप उस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। यूजुअली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज की लिमिट 18 होती है, तो हम यहाँ पर भी 18 ही लेंगे उसकी एज। तो मैं हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ आपकी एज अगर बड़ी है 18 से, कोलन लगा के हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, वहाँ पर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो हम वहाँ पर प्रिंट करेंगे कि आप इलिजिबल, आप यहाँ पर जो है वो इलिजिबल हो जाते हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए,
एलिजिबल, एल्स या फिर अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपको इन एलिजिबल कहा जाएगा। आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट F10 दबाता हूँ और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब मुझे ये मांग रहा है कि एंटर दी एज, यूज़र से मतलब ये एज मांग रहा है। अब मैं एंटर दबा दिया, एक सेकंड। अब मैं यहाँ पर अपना एज एंटर करूँगा। अगर मेरा एज, मैं 19 एज अगर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो एलिजिबल है, मुझे दिखा रहा है कि आप इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। अगर मान लो मैंने अभी एज 18 से ज़्यादा डाल दी इसलिए मुझे एलिजिबल दिखा रहा है। अगर मैं एज 18 से कम डालता, अगर मैं मेरी एज मान लो 12 डालता तो ये मुझे एलिजिबल रिटर्न करेगा। आप देख लो, आप देख रहे हो इससे मुझे इन एलिजिबल रिटर्न किया है क्योंकि मेरी एज 18 से ज़्यादा नहीं है और हमने यहाँ पर कंडीशन डाली है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो ही आप एलिजिबल हो, वरना आप इन एलिजिबल हो। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह से लिस्ट में भी एलिमेंट है या नहीं है किसी एलिमेंट को अगर आपको चेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, उस लिस्ट में मैं कुछ एलिमेंट ले लूँगा जैसे कि 2, 3, 2, 4 ले लेता हूँ, 2, 4 और 5 तीन एलिमेंट्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब हम चेक करेंगे इफ़ 5 इन लिस्ट। तो लिस्ट के एलिमेंट को अगर आपको चेक करना हो तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट कर दो 5 इज प्रेजेंट। एल्स अगर उस लिस्ट में 5 अगर मौजूद नहीं है तो वो प्रिंट करेगा 5 इज नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से मैंने प्रोग्राम यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो इसने मुझे 5 इज प्रेजेंट रिटर्न कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में 2, 4, 5 मौजूद है। अगर मान लो मैंने ऐसा एलिमेंट डाल दिया कि जो इस लिस्ट में है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर 7 डाल देता हूँ तो ये मुझे नॉट प्रेजेंट रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मुझे 5 इज नॉट प्रेजेंट रिटर्न किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट भी 5 रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अगर नॉट प्रेजेंट लिख दूँ तो सिर्फ नॉट प्रेजेंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में हम प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट को ही चेक करेंगे। अगर 7 है तो प्रेजेंट है, अगर उस लिस्ट में 7 नहीं है तो नॉट प्रेजेंट हमें रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हो नॉट प्रेजेंट क्योंकि 7 इस लिस्ट में है ही। तो आशा करता हूँ आपको इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।